आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मऊगंज जिले में विभिन्न कार्यों के लिए भूगर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन एवं तापमान बढ़ने के साथ जल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण जिले में आसन्न पेयजल संकट के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने मऊगंज जिले में पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के तहत जिले में 30 जून 2024 तक किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू उपयोग को छोड़कर पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त जल स्रोतों जिनमें नदी नाले स्टॉप डैम सार्वजनिक कूप एवं अन्य जल स्रोत शामिल हैं, उन्हें पेयजल तथा घरेलू कार्य हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा निजी एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नवीन नलकूप खनन की अनुमति नहीं होगी। शासकीय नलकूप खनन को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित अपने क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन करना होगा। लिखित अनुमति मिलने के बाद ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। यदि किसी क्षेत्र में सार्वजनिक पेयजल स्रोत सूख जाते हैं तथा विकल्प के रूप में अन्य सार्वजनिक पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में एसडीएम निजी पेयजल स्रोत का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिग्रहित कर सकेंगे। प्रतिबंध के आदेश 30 जून 2024 तक लागू रहेंगे। और स्वाभाविक रूप से कि पेयजल का संकट बढ़ेगा, पिछली बार बारिश भी कुछ कम हुई है तो इस बार पेयजल के संकट होने की उम्मीद है या संभावना है, आशंका है, उसको देखते हुए नए बोर पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी को आवश्यकता है तो हमारे जो एसडीएम हैं उनसे अनुमति लेकर के ही बोर कर पाएंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए यदि बोर की आवश्यकता है तो एसडीएम के यहाँ आवेदन लगाएँ, उसको देख करके वहाँ से अनुमति लें और काम करें। दूसरा, धारा 144 जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई है और जो खुले बोर छोड़ दिए जाते हैं खेतों में या घरों में या कहीं पर भी, इस तरह से यदि बोर कराया और उसमें पानी नहीं निकला या किसी वजह से उसको हमने खुला छोड़ दिया तो उसमें बच्चे गिरने की घटनाएं पहले हुई हैं और उसमें बड़ी विकट परिस्थितियां पैदा होती हैं, मानवीय पहलू भी उसमें रहता है। और इसमें शासन के जो निर्देश आए हैं कि जन जागरूकता इसमें पैदा की जाए और कानूनी कार्रवाई भी की जाए, तो मेरा सभी से आग्रह है, गांव में शहर में सभी प्रशासनिक अधिकारी या सभी जन सामान्य लोग, कोई भी यदि बोर ऐसा खुला छूटा हुआ है तो संबंधित व्यक्ति को उनको बताएं कि भाई इसमें इसको प्लग कर दिया जाए, इसके ऊपर कैप लगा दिया जाए या किसी भी तरह से उसके मुँह को बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी इस तरह की अनहोनी ना हो कि कोई बच्चा खेलते हुए वहाँ जाए और उसमें गिर जाए और उसकी जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए।